प्यारे बच्चों, आप जब साइंस सब्जेक्ट्स में पहली हेडलाइन लिखते हैं तो वो पहली जो मेन हेडलाइन होती है उसको सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये पेज तैयार किया है। इस पेज में मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने बताया कि ये वाले कैपिटल लेटर्स हैं, ये यू और बी की इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, और इसके अलावा मैंने तोड़ तोड़ के लफ्ज़ बताए हैं। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को अब मैं इंशाल्लाह ये कावश मैंने स्टूडेंट्स के लिए की है, अब मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि इस लफ्ज़ को हम कैसे लिखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट को। ओके लो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस बनाने का तरीका। बेटे आपने मार्कर को उल्टा कर लेना है। मार्कर पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ स्लांट लाइन, गो बैक, ये देखो बेटे ओवल बन गया। ये ओवल बनाने के बाद इसको हल्का से ऐसे कर दें और इसको यहां से राउंड कर दें। ये देखिए बेटे, यू स्लांट यू, फिनिश एट द टॉप लाइन। ये बेटे बी, ये बिल्कुल आपने ओवल बनाना है, और अगर बी, ये देखिए बी आपका जो है ये स्लांट है, तो जे भी आपका स्लांट होगा। ई दो लाइनों के मिड से शुरू होके कहाँ फिनिश होगा, टॉप लाइन पे। इस तरह सी बेटे कहाँ फिनिश होगा, टॉप लाइन पे। आपका टी कहाँ फिनिश होगा, टॉप लाइन पे। आई टॉप लाइन पे, वी टॉप लाइन पे, ई हमारा टॉप लाइन पे फिनिश होने के बाद हम इसको बेटे सीधा ऐसे ले जाएंगे और ये टी का क्रॉस बन गया, ये बन गया जी सब्जेक्टिव। इसी तरह मैं अपने प्यारे बच्चों को बताऊंगा पी कैसे बनाएंगे। बेटे ऊपर से नीचे को स्लांट लाइन लगाने के बाद आपने एक बाउल बनाया और यहाँ से लफ्ज़ को घुमाने के बाद आप यहाँ पे आ गए और इसको यहाँ से पकड़ के आप लफ्ज़ को यहाँ तक ले जाएं। अब देखिए बेटे ए, ए कहाँ फिनिश होगा, टॉप लाइन पे, और हमारा आर कहाँ फिनिश होगा, टॉप लाइन पे, और ये हमारा टी भी टॉप लाइन पे फिनिश हो गया। तो अब मैंने अपने प्यारे बच्चों को बताया कि सब्जेक्टिव पार्ट कैसे लिखा जाता है। लो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आप इस तरह ही परफॉर्म करोगे और अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खूब प्रैक्टिस करें, अल्लाह आपको सलामत रखे, जीते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।